हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू रैंक विद ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंटरनेट टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों ग्रुप्स में जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स देखिए, मैंने यहाँ पे 17 जुलाई को शेयर किया था इस पर्टिकुलर एरिया पे 49 के प्राइस पे, और 49 के प्राइस पे ये पर्टिकुलर स्टॉक ने हमारे लर्निंग ग्रुप में इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 55-56% के आसपास का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। 57% का रिटर्न यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है कितने महीने में, जुलाई से लेके जनवरी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 महीने भी हम बोल सकते हैं, 6 महीने के अंदर इसने 60% का रिटर्न दिया है। मैं बोलूंगा ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर प्राइस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पे ध्यान से देखें, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक में आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये इमेज को देखिए, तो आई होप आपने देख लिया कि 17 जुलाई को ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने 49 पे शेयर किया था और मैंने जो टारगेट्स बोले थे उन टारगेट्स की तरफ प्राइस अभी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को एक बार के लिए हटा देंगे और इसे मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चले जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, चार्ट यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से ऊपर जा रहा है, मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस ने देखिए मल्टीपल टाइम इसी पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन दिया था, प्राइस ने अभी इस एरिया को ब्रेक किया है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंट मोमेंट आए, इस तरीके से मोमेंटम आने के बाद प्राइस इस तरीके से रिटेस्ट करने और उसके बाद ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश करें। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे आने वाला टारगेट क्या होने वाला है, मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा नियर अबाउट 91 के आसपास का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 114। और अगर इस पर्टिकुलर एरिया से हम ओवरऑल टारगेट्स को देखें तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट और भी 47% की रैली एक्सपेक्टेड है, और जैसा कि आपको पता है ये काइंड ऑफ राउंडिंग फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा है। तो अगर इस एरिया से हम इसके मेजरमेंट कर लें, इसने कितना परसेंट का फॉल किया था, ऑलमोस्ट 81% आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाइए, वही हमारे आने वाले इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्यूचर में टारगेट्स हो जाएंगे। तो वो होते हैं हमारे ये वाले एरिया जो है 241। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से पैटर्न वाइज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 205% तक का रिटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकते हैं, और इसे देना भी है। ऑब्वियस ये बात है कि एक बार भी नहीं देगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा रैली देगा, फिर करेक्शन करेगा, फिर थोड़ी रैली देगा, फिर करेक्शन करेगा, प्राइस ऐसे ही चलता है। बहुत लोग यहाँ पे ही निकल गए होंगे और जिन लोगों ने इसे होल्ड किया होगा उन्हें यहाँ पे 6 महीने के अंदर 57-58% तक का रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो यही था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है रेडिंगटन लिमिटेड। रेडिंगटन लिमिटेड में देखिए, मैंने सिंपल एनालिसिस करके रखी है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्शन प्राइस ने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ। यहाँ पे देखिए प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया जैसा क्रिएट किया। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्टिव बायर्स को ऑपरेटर निकालेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, प्राइस रिक्लेम करेगा, रिटेस्ट करेगा और उसके बाहर भागेगा। लोग लाखों रुपए लेके ये सारी चीजें आपको कोर्स में सिखाते हैं, मैं फ्री में सिखाता हूँ आप लोगों को, सीना ठोक के बोलता हूँ मैं ये सारी चीजें आपको फ्री में सिखाता हूँ। जिस तरीके से माइंडसेट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ ना, अगर यहाँ से हम बात करें, हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 215 के आसपास का, और सेकेंड टारगेट होगा मेरा यहाँ पे 240 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज रेडिंगटन लिमिटेड। आज का हमारा जो लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है पवाना इंडस्ट्रीज। पवाना इंडस्ट्रीज को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या किया था, यहाँ से पहले इसमें आईपीओ आया, रिजेक्शन आया, एक इम्पल्सिव रैली, फिर से रिजेक्शन, और अब ये दोबारा से रेडी हो रहा है। ठीक है, तो
इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो आने वाले टारगेट्स क्या हो जाएंगे, मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 550 के आसपास का, और सेकेंड टारगेट होगा मेरा यहाँ पे 600 रुपए के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज पवाना इंडस्ट्रीज। तो यही वो पर्टिकुलर तीन स्टॉक थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस एंड वीकली चार्ट पोस्टर्स या एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।